गलियों में बहती नदी जैसी तेज धार भारत के किसी शहर की नहीं, यूरोपियन देश स्पेन की है। घरों की कुर्सी, टेबल और बाकी सामान इस धार में तिनके की तरह तैरते जा रहे हैं। अब इस गली की दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। ये वीडियो एक मकान की दूसरी मंजिल से बनाया गया है। नीचे देखने पर साफ नजर आ रहा है कि पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। सामने की ओर समंदर का किनारा है। पहले समंदर यहाँ से दूर था, लेकिन अब घरों तक घुस आया है। बस्ती में सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। कारें उलट पुलट होकर पानी में तैर रही हैं। किनारे पर कई स्टीमर खड़े हैं। इन्हें जंजीरों से जकड़कर जैसे तैसे बहने से बचाया गया है। स्पेन के उत्तरी पूर्वी और मध्य इलाके में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। ये हालात उसी का नतीजा है। राजधानी मैड्रिड समेत अल्कानार और विनारोस शहरों में समंदर जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। रास्तों में लोग फंस गए हैं। जगह जगह सड़कों पर डूबी गाड़ियां दिख रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहे हैं। सड़क पर पानी की तेज धार में फंसे एक शख्स को बचाव टीम ने रस्सियों के सहारे किनारे तक पहुँचाया। ग्रामीण इलाकों में भी सब कुछ पानी पानी हो गया है। चारों तरफ पानी से घिरे एक मकान में फंसे परिवार को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तेज बारिश के साथ आए कीचड़ और मलबे ने भी स्पेन के लोगों को बेहाल कर दिया है। कई जगहों पर पानी निकलने के बावजूद रास्ते बंद पड़े हैं। मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ताजमहल नाम का ये भारतीय रेस्टोरेंट भी अब मलबे से पट गया है। चारों तरफ कीचड़ की मोटी परत जम गई है। मूसलाधार बारिश का कहर जर्मनी में भी है। तूफानी पानी के थपेड़ों से बर्बाद हुए इस गांव की हालत देखिए। हर मकान पर तबाही के निशान है। किसी की छत उड़ गई है तो किसी की दीवारें धाराशाही हैं और किसी की तो नींव ही उखड़ गई। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं बचा। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पानी की धार इतनी तेज थी कि सड़क को बीचों बीच से तोड़कर नदी बह निकली। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी तूफानी बारिश ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। ये तस्वीरें बारिश थमने के बाद की हैं। पूरी बस्ती मलबे से पटी पड़ी है। लोगों को घर से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। मलबे की मोटी परत और उखड़े पेड़ों ने एक कदम रखना भी मुश्किल कर दिया है। लोग जैसे तैसे मलबा हटाने की कोशिश में जुटे हैं। यूरोप से अमेरिका तक मौसम के ऐसे सख्त तेवरों ने जिंदगी तहस नहस कर दी है। वैज्ञानिक इस तबाही को सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।